Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक आपको पहले से ही पता चल गया होगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने टाइटल में नहीं दिए ताकि आपको क्यूरियोसिटी रहे और आप लोग मेरी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वही बातें इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं मेनली जो मैंने DPT के अकॉर्डिंग बनाई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात पर मैसेजेस भी मिले थे कि आप भी जो आपने वीडियोज़ बनाई हैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दें. तो मैंने यहाँ सोचा क्यों ना मैं उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंपाइल करके और उसमें एडिशन करके आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाती हूँ. तो एक नई वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिलेबस को एलैबोरेट करूँगी, मैं उस फील्ड को प्रमोट करूँगी या कुछ भी ऐसा, लेकिन मेन थिंग जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो यही होगा कि यार आप लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या कर सकते हो. और आपको मतलब आप कोई भी डिग्री लेते हो, नॉट ओनली फिजियोथेरेपी, आप कोई भी डिग्री लेते हो तो उसमें आप आगे कैसे बढ़ोगे. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं जो एक दफ़ा डिग्री स्टार्ट करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3.5 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स की टोटल डिग्री होती है, तो वो हाफ ऑफ द डिग्री छोड़ के कहते हैं बस ठीक है यार ये नहीं मुझसे हो रही, मैं दूसरी डिग्री में जाता हूँ. ऐसे नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. अगर आप एक वे चूज़ करते हैं कि यार आपने वहाँ जाना है और आपके आपके बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं. आई थिंक आई वॉज इन 5th grade जब मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी. अब मैंने तब ये नहीं सोचा था कि मैं कार्डियो सर्जन बनूंगी, मैं पल्मोनरी सर्जन बनूंगी, मैं जनरल सर्जन बनूंगी, मैं ऑर्थोपेडिशियन बनूंगी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस ये सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनूंगी. सो द थिंग इज़ डैट जो मैंने अपने लिए रास्ता चूज़ किया, जो मैंने अपने लिए एक गोल सोचा हुआ है उसको अचीव करने के लिए फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. इधर उधर से लोग जो मर्जी कहें, आपको उस पर साबित कदम रहना, आपको उस पर जस्ट चलते रहना कि यार आप एक पॉइंट पर स्टैंड लोगे तभी आप आगे बढ़ सकोगे. अगर इधर उधर की बातें सुनोगे तो तब आप लोग आगे नहीं बढ़ सकोगे. सो मुझे लगता है कि हम लोग जब एक अपना गोल सोच लेते हैं कि यार ये लाइफ में गोल है तो हमें चैप्टर चेंज नहीं करना चाहिए. अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने एक बुक लिख ली है, आप एक बुक मतलब लाइक अगर आप एक एग्जांपल लें कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में आपको बायो बहुत अच्छी लगती है, नॉट कंपलसरी कि आपने उसके बाद डॉक्टर ही बनना है, आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हो, आप फिजिक्स में भी जा सकते हो, लेकिन बात यह है कि आपका आपका रुझान कहाँ पे, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में. आप बायो में हो तो आप बायो की तरफ जाओगे, बायो के भी आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, इवन आपने किस मकसद के लिए जाना है. इंसान की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक ना एक मकसद होता है. सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग एक वे चूज़ करते हो कि भाई है कि मैंने इस फील्ड में जाना है तो आप उस पे पैशनेट रहें. लाइक आपने वो गोल अचीव करना है उसके लिए बेशक जो मर्ज़ी कहता रहे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, बहुत से लोग कोशिश करेंगे कि यार ये आप डिग्री ना करो, आगे इसका स्कोप नहीं है, DPT ना करो, इसका आगे स्कोप नहीं है, फार्मेसी ना करो, इसका आगे स्कोप नहीं है. स्कोप हर चीज़ का है. एक दफ़ा आप एक चीज़ के अंदर चले जाते हो ना, घुस जाते हो, तो आगे अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बनाता रहता है. अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि मैंने तो BS किया है अब मास्टर्स करूँगी तो ही BS की वैल्यू है, कि नहीं यार आज के दौर की बात अगर करें तो आज के दौर में वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा चुके हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए. अगर आप लोग ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाना फजूल है, अगर आप दो पॉइंट्स है ना कि एक वो इंसान है जो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और वो इतने पैसे कमा रहा है और दूसरी तरफ वो इंसान है जो डिग्रीज पकड़ के बैठा हुआ है और उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है. हाँ, जहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि हमने मैट्रिक नहीं किया लेकिन हम देखो फिर भी कितने पैसे कमा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है. ये बेमकसद चीज़ है कि आप इंस्टीट्यूट में आके कुछ भी नहीं सीखते, आप इंस्टीट्यूट में आके बहुत कुछ सीखते हैं. अगर आप ये कहें कि हम तो DPT प्राइवेट से करके आए, हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमने गवर्नमेंट से किया हम ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसे भी नहीं कहना चाहिए. यार आप लोगों का मकसद तालीम हासिल करना है और इंस्टीट्यूट आपको तालीम के साथ साथ तहजीब भी सिखाता है. बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं. जब आप स्कूलिंग लाइफ में होते हैं तो हर टीचर की ये कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा इंसान बनाए,
अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि उनकी मेहनत को कितना आप रायगा जाने देते हो और कितना आप उसको संभाल के रख लेते हो। जो इंसान संभाल लेते हैं तो वो ऑब्वियसली अपनी अगली लाइफ में, अपने फ्यूचर में बहुत सिक्योर हो जाता है। इनफैक्ट इस दुनिया में इज्जत मिलती मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये आखिरत का पॉइंट कहाँ से ले आई है, तो आखिरत का मेन पॉइंट यहाँ पर इस वजह से आया है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने टीचर्स को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फॉर मी टीचर्स का रुतबा बहुत बहुत बुलंद है। जहाँ पे माँ बाप आते हैं उसके उससे पहले मैं कहती हूँ टीचर्स आते हैं, जो आपकी रूहानी तरबियत करते हैं। हाँ, मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट इतना खासा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट द थिंग इज दैट मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर वेरी फर्स्ट जब मैं छोटी थी, ऑब्वियसली जब स्कूल नहीं जाती थी तो मेरी मम्मा थी जिन्होंने मेरी तरबियत की। आफ्टर जब मैं उस 2-3 साल के बाद जब से मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया, अपनी टोटलर लाइफ को बिल्कुल मतलब एक तरफ करके, आप जब स्कूल लाइफ में जाना स्टार्ट करते हैं तब आपके टीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत और एहतराम के हामिल होते हैं, लेकिन आप उनके जब तक एहतराम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं पा सकते। सो मेन पॉइंट जो मेरा है और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ही आप मुझे हम थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में गाइड कर दें, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड का, थर्ड का। अब कुछ इंस्टीट्यूट में एनुअल सिस्टम है, कुछ इंस्टीट्यूट में सेमेस्टर सिस्टम है, मोस्टली 60-65% इंस्टीट्यूट जो है सेमेस्टर सिस्टम के साथ चल रहे हैं। अब जहाँ तक बात करें सेमेस्टर सिस्टम की और एनुअल सिस्टम की, इन दोनों में जो सिलेबस का सीन है वो बिल्कुल सेम है। ये है कि जो सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं वो आफ्टर 4 मंथ्स क्लियर कर लेते हैं, जो एनुअल वाले होते हैं वो आफ्टर 9-10 मंथ्स क्लियर करते हैं, और वही वाला सिलेबस का शेड्यूल है। सिलेबस के लिए कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है, आई विल डिफाइन यू एवरीथिंग कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, सारी बेसिक्स होती हैं, क्योंकि फर्स्ट वन ईयर एंड द सेकेंड ईयर, हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब 1.5 ईयर जो है ना आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। बेसिक्स में यही आ जाता है, लाइक आपको बताया जाता है एज अ DPT स्टूडेंट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपको बताया जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ना है। एनेटमी पढ़ाई जाती है, और एनेटमी का पेज मैं यहाँ टैग कर देती हूँ, यही वाली हम लोगों को एनेटमी पढ़ाई जाती है। इसमें जनरल टर्म्स होती हैं, इसमें बोन्स के बारे में डिस्कशन होती है, मतलब बोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन हो जाती है। डिस्कशन से मुराद है, मतलब आप ये ना समझे कि डिस्कशन में पता नहीं क्या कह रही है, तो डिस्कशन हो जाती है। डिस्कशन में अब ये है कि बोन्स की टाइप बताई जाती है, बोन्स के नेम बताए जाते हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के नाम होते हैं, जॉइंट्स की टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं, मतलब इस टाइप की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाती हैं। उसके बाद फिर एक हमारी बुक आती है काइनेजोलॉजी की, उसका भी मैं टैग कर देती हूँ। काइनेजोलॉजी इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ आवर DPT, जिसमें हम लोगों को एंगल्स, एक्सेस, प्लेन, मूवमेंट सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंसान अगर चल रहा है तो वो किस मोशन में चल रहा है, लाइक उसकी कौन सी सिमेट्री है, कौन से वो एसिमेट्रिकल एक्शन दे रहा है, वो किस प्लेन में चल रहा है, वो किस तरह अपना मोशन प्ले कर रहा है, ये सब कुछ आपको काइनेजोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सो द नेक्स्ट बुक इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का भी टैग कर दूँ। गाइटन की फिजियोलॉजी होती है, इसमें बेसिक्स हमें पढ़ाई जाती हैं, सारी एक्शंस पढ़ाए जाते हैं, मैकेनिज्म पढ़ाए जाते हैं, और सेल्स के बारे में सारी डेफिनेशंस होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है, उसके फंक्शंस होते हैं, एनाटॉमी होती है, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन बात फिर आ जाती है बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, जो कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। इसके बाद फिर आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या लगवाते हैं। मतलब हम लोगों को स्टैट्स पढ़ाई गई थी, लेकिन करंटली दिस ईयर फ्रॉम द लास्ट ईयर स्टैट्स के साथ मैथ भी ऐड कर दी गई है। अब मैथ और स्टैट्स का इसमें क्या रोल है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग अगर देखें तो इसमें कोई आगे कोई फील्ड नहीं है, कोई थीटा सिग्मा कुछ भी नहीं आना। बट ये है कि जब आप 8th, 9th, 10th सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको अपने थीसिस बनाने पड़ते हैं, आपको लैपटॉप वर्क करना पड़ता है। इवन आप सेकेंड ईयर से लैपटॉप वर्क स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टैट्स है और मैथ्स है वो आपकी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है।
सो इस चीज़ को बताने का मकसद ये था, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर मुझे इसका नहीं पता था कि हम लोगों का मैथ से क्या ताल्लुक है, हमारा स्टैट से क्या ताल्लुक है, हमें क्यों पढ़ाई जाती है भाई, मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू नो एवरी थिंग जो मुझे नहीं पता थी। सो हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उनके सीनियर्स बता दें, लेकिन आई थिंक मेरी ये बात आप सबके लिए हेल्प आउट करती है। मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स ने नहीं इसके बारे में बताया था, तो अब मुझे आके इस चीज़ के बारे में पता चला है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए, मुश्किल क्रिएट ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं, ब्लैंक शीट की तरह बिल्कुल साफ सुथरे, मतलब कोई पता नहीं होता कि आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना। मैं भी ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी थी। सो बातें तो मैं अंदर अंदर करती रहती हूँ, इसको इग्नोर करें, नहीं इसको भी इग्नोर ना करें क्योंकि ये भी आपकी काम की चीज़ है। सो उसके बाद हम लोगों को पढ़ाई जाती थी फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश। इंग्लिश इज़ सो मेन सब्जेक्ट। आपको बता दूँ इंग्लिश पढ़ने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, नो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट एक आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आप मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने अपने नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो वो आपने कैसे करना है। इंग्लिश पढ़ने का मकसद आपका ये है, जो कि मुझे नहीं पता था फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं ये सोचती थी हमें फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरह वही हम लोगों को इंटर की तरह ये लोग इंग्लिश में घुसा देंगे, एप्लीकेशन लिखवाएंगे, लेटर लिखवाएंगे। सो बेसिक मुझे इसका मकसद इन माय सेकंड सेमेस्टर, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ ली थी, मुझे सेकंड सेमेस्टर में आके पता चला द वर्थ ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। कि कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बेमकसद नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि इंग्लिश तो हम बहुत पढ़ के आए हैं यार, मिस्टर चिप्स पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है यार आपने, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल की इंग्लिश इज़ एन अदर थिंग, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी आप काम करते हो, लाइक कोई एप्लीकेशन लिखना होता है, किसी को लेटर लिखना होता है, कोई रिसीविंग लिखनी होती है, कुछ भी लिखना होता है, आपको उसके कीवर्ड्स याद करा दिए जाते हैं। मतलब आप एक मेच्योर बच्चे हो यार, आपको ये वर्ड्स याद करना चाहिए आपको, ना कि ये आप एप्लीकेशन में लिख रहे हो आई बैक टू से डैट। इट इज़ स्टेटेड दैट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो। सो इंग्लिश की मैंने आपको वर्ड बता दी, उसके बाद चलते हैं पार्क स्टडीज पे। फॉर द वेरी फर्स्ट आपको पार्क स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, एंड इन द सेकेंड सेमेस्टर आपको इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है। वही ना, पहले मुश्किल आता है बाद में आसान आता है। सो पार्क स्टडीज़ फॉर माई सेल्फ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसे लगता है कि यार पार्क स्टडीज़ जो है ना होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस आप लोगों ने प्रेशराइज नहीं होना। पार्क स्टडीज़ में भी आपको वही क्वेश्चंस आते हैं, वही तहरीके पाकिस्तान, फलाने का ज़माना, फलाने का ज़माना। बीइंग पाकिस्तानी आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सो आपको थोड़ा सा करेंटली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आगाही देने के लिए उन्होंने पार्क स्टडीज़ को भी अंदर इन्वॉल्व कर दिया। सो ये होगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, आखिरी सब्जेक्ट जो रहता है वो है इखलाकियात का, जो आपके अंदर पहले से ही होनी चाहिए। और बीइंग मुस्लिम चाइल्ड, बीइंग अ ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए आपका इखलाक दूसरे के साथ कैसे है। सो स्प्रेड पॉजिटिविटी, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी यार क्यों फैलानी है, नेगेटिविटी का इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है। आप पॉजिटिव रहो। आप किसी को भी आके ये कहोगे कि यार ये तो अपनी फील्ड को प्रमोट करी जा रही है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ऐसे नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड नेगेटिविटी, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब आई वॉज इन फर्स्ट सेमेस्टर, आई वॉज इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ DPT, तो मुझे गाइडलाइंस देने वाला कोई भी नहीं था, इवन नॉट माई सीनियर्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स थे जो आपकी हेल्प करते थे, मतलब मेरी भी हेल्प करते थे, बट कहते हैं ना कि इंसान जैसा खुद खाता है ना, वो नहीं चाहता दूसरा वैसा खाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत ही अच्छे सीनियर्स पाए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है जो इतनी प्योरली गाइडलाइंस दे तो वो सिर्फ आपकी माँ ही होती है और कोई नहीं होता। सो थैंक यू ऑल ऑफ माई सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी और मुझे इस काबिल बनाया, एंड थैंक यू
टू ऑल माई टीचर जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के बारे में, अपनी बुक्स के बारे में, अपनी पैशन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, इवन अपने करियर के बारे में आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करती हूँ. क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये मैं बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देती हूँ आप लोगों को, बट जितनी मैं दे सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उतनी ज़रूर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाए ना. मतलब जहाँ तक मुझे लगता था ना कि मेरे अंदर ये चीज़ की कमी है या मुझे किसी ने इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं किया, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर ना रहे. क्योंकि इंसान के पास जो चीज़ नहीं ना होती, हर वक्त वो इस चीज़ की तलब करता रहता है. लेकिन अगर वो आपके पास आ जाती है ना और आपको पता होता है कि वो अगले इंसान को देना बहुत ही अच्छी, मतलब लाइक आपके दिल को सुकून मिलता है दूसरों के साथ वो चीज़ शेयर करने में, तो वो आप लोग करते हैं. और अपनी नेचर को भी इस तरीके का बनाएं कि आप दूसरे को एक पॉजिटिव वाइब दें. आपके पास कोई बैठा बंदा ये ना सोच रहा हो दिल में, यार ये अच्छा बंदा नहीं है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये तो मुझसे बात नहीं करते. इवन आप उससे बात भी करें तो वो अपने आप को कंफर्टेबल समझे, वो ये ना समझे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ इसके साथ बैठ के. अपने आप को अच्छा बनाएं. अपने आप को जितना अच्छा बनाएंगे उतना लोग आपकी तरफ आएंगे. और डीपीटी एक ऐसी फील्ड है कि इंसान इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है. मतलब एक बच्चा, मतलब एक स्टूडेंट, आप MBBS से आते हो, आप BDS से आते हो, आप वहाँ पे. सो उम्मीद है जी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करूं और आहिस्ता भी बोलूं ताकि आप लोगों को समझ आए मेरी बातें. और जिनको मुझसे कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, और अगर कमेंट्स मुझसे कोई भी एक दो इग्नोर हो जाते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आएँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है. आप मुझे मैसेज करें, आई विल रिप्लाई यू ऑल. ट्राई करूँगी मैं सबको रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर DPD के अकॉर्डिंग होंगे तो ऑब्वियसली मैं सबको रिप्लाई करूँगी. तो अगर कोई ऐसा वैसा मतलब लाइक कुछ भी होगा तो वो तो बस. सो जी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. मुझे दुआओं में याद रखें. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना. आप लोगों के लिए न्यू से न्यू वीडियो आती रहेगी और नेक्स्ट सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको गाइड देती रहूँगी. सो आप लोग कनेक्ट रहा करें और अपना ख्याल रखें. मुझे दुआ में याद रखें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.